कन्हैया कुमार शामिल हो सकते हैं कांग्रेस में, राहुल गांधी से की मुलाकात। नमस्कार, मैं मोनाली पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 28। पिछले साल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 में से 19 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। वहीं बात करें सीपीआई एमएलए की तो उसमें 19 में से 12 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी, इन दोनों युवा चेहरे के आने से कांग्रेस पार्टी को दो युवा चेहरे मिलेंगे। इनका इस्तेमाल यूपी में पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचार के लिए कांग्रेस कर सकती है। एनयूएसयू के पूर्व अध्यक्ष एवं वाम नेता कन्हैया कुमार ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। संगी सुनने में ये भी आ रहा है कि काफी समय से कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी से संपर्क में हैं। वहीं बात करें गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी की तो वो भी लगातार कांग्रेस के संपर्क में हैं और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिग्नेश मेवाड़ी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि कन्हैया कुमार बिहार के चुनाव में एक अहम भूमिका निभाना चाहते हैं, लेकिन बात करें कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस की तो वो दिन ब दिन बिहार में खराब होती जा रही है। तो ऐसे में आप सबको क्या लगता है, दो युवा चेहरे कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी के कांग्रेस पार्टी में आने से विधानसभा चुनाव के परिणामों पर आखिरकार क्या प्रभाव पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख के हमें बताएं। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में कुछ नई घटनाओं और कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।